देखो ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का यूज़ क्या होता है, एम्पलीफिकेशन के लिए, लो सिग्नल को हाई सिग्नल में बदलने के लिए, या हाई सिग्नल को लो सिग्नल में करने के लिए, फ्रिक्वेंसीज के लिए, ठीक है। जैसे हमारे अभी आपने देखा होगा डीजे, डीजे सबने देखा है, डीजे क्या होता है, अगर मोबाइल में अगर म्यूजिक प्ले किया जाए और उसको लगा दिया जाए उसके सिस को, तो क्या होता है वही गाना तेज़ आवाज़ में बजने लगता है। तो जो उनके पास जो मशीनें रखी होती हैं वो क्या होती है, एम्पलीफायर कहते हैं उसको। एम्पलीफायर क्या करता है, उस लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर का वर्क होता है। अब काम कैसे करता है, क्या है इसमें, तीन इसके जो टर्मिनल होते हैं, एक होता है इमीटर, एक बेस और एक कलेक्टर। तो कैसे है ये कलेक्टर, मान लीजिए कि पाइप, ठीक है, ये पाइप और इस पे एक मैंने क्या लगा दिया, वॉल लगा दिया, देखिए सब में जैसे नल में वॉल टाइप का होता है, समझे, देखे जो ऊपर से खोलते हैं यार, ये नल जहाँ से पानी निकलता है ऐसे करके बॉडी बोलते हैं उसको, ऐसे खोल देते हैं, ठीक है। तो वही है, वही इसी ये वायर है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको लगा दिया, तो इससे क्या होता है, ये रेगुलेट होता है, ठीक है, जो घुमाने वाला होता है ना हत्ता टाइप में, क्या होता है ये हमारा कहलाता है बेस, और ये कलेक्टर, और ये इमीटर। जैसे यहाँ से कोई भी चीज़ विद्युत धारा या वाट जिसका एग्जांपल लेना चाहो, यहाँ से अगर इसको ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये खुलना स्टार्ट हो जाएगा, खुलना खुला, और ये यहाँ से ऐसे करके जो भी मेरे पास विद्युत धारा है तो वो यहाँ से निकल जाएगी, है समझ में, ठीक। तो इमीटर और बेस और करेंट, समझ गए। अब अगर इधर इस साइड से आ रही है ये चीज़ द्वारा, तो इस साइड से भी हम वोल्टेज को प्रोवाइड कर सकते हैं और कलेक्टर से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बेस हमारा ये कहलाता है, कलेक्टर ये और इमीटर ये, ऐसे ही सर्किट में यूज होता है विद्युत धारा के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी दें, ठीक है, और इसको हाफ भी कर दिया, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा हमारा 6 वोल्ट डीसी, कम हुआ, कम हुआ या नहीं हुआ, कम हुआ। अगर इसको पूरा ओपन कर देंगे तो पूरा लगेगा। तो ये बेस ऊपर निर्भर करता है कि किसको कितना वोल्टेज चाहिए या कितना फ्रिक्वेंसी है, उसको कितना हाई करना है, लो करना है, ठीक है। ऐसे ही मार्केट में आते हैं ट्रांजिस्टर, बोर्डों में लगे होते हैं, तो कई टाइप के होते हैं। इस टाइप से देखो तो तीन, और इसमें एक होल भी होता है, पीछे क्या लगा होता है उसके, उसमें एक केस लगा होता है, उसके पीछे क्या लगा होता है, एक हीट सिंक लगी होती है एल्युमिनियम या कॉपर की, ताकि इसके अंदर अगर फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा या बढ़ रही होगी तो क्या होगा, इसके अंदर मूवमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का, तो ये हीट करेगी, इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट से क्या होता है, हीट होती है, जब हीट होगी तो क्या होगा, तो हीट सिंक तो सही है, नहीं तो ये जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा हमारा, तो इसके पीछे हीट सिंक होगा। और अपने इसमें जो पीसीबी है, लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर, इनमें दो टाइप से यूज़ होते हैं, ठीक, किसी ने अगर सुना हो तो PNP और NPN, ये दो टाइप के ट्रांजिस्टर ज़्यादातर यूज़ होते हैं। मॉस्फेट भी एक ट्रांजिस्टर है, कल मैंने मॉस्फेट बताया, मॉस्फेट भी एक ट्रांजिस्टर होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, लेकिन वो स्विचिंग के लिए काम करता था, ये एम्पलीफिकेशन के लिए काम करता है, ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब ये पीएनपी एनपीएन है क्या, पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अब भी कोई भी दो पदार्थ, ठीक है, एक पदार्थ का मतलब जैसे वो सिलिकॉन या जो मैंने पी टाइप के क्रिस्टल और एन टाइप के क्रिस्टल को जोड़ के बनाया जाता है, पी टाइप के और एन टाइप के, ठीक। तो यहाँ पे एक पी जुड़ा होगा और यहाँ पे एक एन जुड़ा होगा, ठीक, और यहाँ पे ये तो हो गया जाके पी एन पी हो गया जाके, लेकिन अगर इसका जंक्शन देखेंगे, P
पीएन जंक्शन से ही बन रहा है, एक पी और एक एन, ठीक है। इसको क्या दिया मैंने, बी टाइप का क्रिस्टल लिया और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, एन को नेगेटिव सिरे से, फिर ये प्लस माइनस प्लस और ये नेगेटिव माइनस। तो क्या होगा, प्लस के जो होल होंगे वो इस टाइप से यहाँ पे होंगे, जमा होंगे, और इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे जब इस पे भी आ रहा है तो ये क्या हो गए, धनात्मक की सिरे में एक बताया था अट्रैक्शन मोड पे काम करते हैं, तो ये इससे चिपकने लगेंगे, जब इसको वोल्टेज देंगे जितनी इसकी क्षमता होगी उतने अंदर इसके इन्वेल्ट हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा पीएन, पीएन हो गया, पीएन जंक्शन। अगर ये प्लस इस साइड है, ठीक है, पी पॉजिटिव साइड है, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वायस। इसको अभी हम और थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि फॉरवर्ड वायस और रिवर्स वायस क्या होता है, ठीक है। तो प्लस सिरे से प्लस वोल्टेज गया, नेगेटिव से एन साइड वोल्टेज गया, ये क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बायस। अगर हम इसको उल्टा कर दें, इसी को अगर उल्टा कर दें, पी है और एन है, ठीक, अगर इसको यहाँ से इसको वोल्टेज देंगे, प्लस और माइनस, ठीक, तो क्या हो गया, ये रिवर्स वाइज। यहाँ पे क्या है, प्लस है इस साइड है, और इस साइड क्या, प्लस माइनस, ये नेगेटिव साइड प्लस दे दिया, तो क्या हो गए, ये प्लस जो इलेक्ट्रॉन होंगे अभी तक क्या कर रहे थे, इस साइड आ रहे थे, ठीक है, अब वो इस दिशा में मूवमेंट करेंगे, इस साइड ऐसे मूवमेंट करेंगे, और ये माइनस की तरफ मूवमेंट करेंगे, इस तरह से। इसमें क्या हो रहा था, ऐसे मूवमेंट कर रहे थे इसी साइड, तो ये हमारी हो गई जाके फॉरवर्ड वाइज। तो ऐसे पी, अब इसको क्या बोलेंगे, पी एन जंक्शन, एक पी टाइप का क्रिस्टल और एक एन टाइप का क्रिस्टल को मिला के अगर उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या कहलाता है, वो आपस में जुड़ जाता है। अब जिसको जंक्शन क्यों कहते हैं, जैसे रेलवे ट्रैक में कहते हैं जंक्शन, तो जंक्शन पे क्या होता है कि बहुत से लोगों को आना जाना होता है, इसलिए तो उसको बोलते हैं जंक्शन, बोलते हैं ना, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना जंक्शन उसे, ठीक है, जंक्शन। अब तो यहाँ पे इसको जंक्शन क्यों बोलते हैं, पीएन जंक्शन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का आना जाना बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए इसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। तो ये चीज समझ में आई। अब क्या हुआ कि तीन टर्मिनल अगर हमने जोड़ दिए, पीएन जंक्शन हो गए जाके, अगर इस पर एक और अगर हम इधर पी लगा दें, ठीक है, या एन लगा दें, जैसे एन पी एन है, एन पी और एन, ठीक। अब इलेक्ट्रॉनों का, अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर दो डायोड से मिलकर ही बना होता है, ठीक है, दो डायोड से भी ये मिलके बना होता है, इस टाइप से बना होता है। तो अब इसमें हमारा नेगेटिव कौन सा है, ये है ना एन पी पी और ये क्या है एन, ठीक। तो अब अगर इसको हम जोड़ दें यहाँ से ऐसे जोड़ दें, तो क्या हो गया जाके एन पी एन पी ट्रांजिस्टर हुआ या नहीं हुआ, ठीक। तो ये दो डायोडों से मिलके बना होता है एन पी एन या पी एन पी, ठीक। अगर इसको हम अगर यहाँ से अगर फॉरवर्ड बायस में करेंगे तो यहाँ से प्लस देंगे, अगर रिवर्स बायस करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, प्लस इस साइड आएगा, ठीक है, चीज़ समझ में आई। तो ऐसे ही तुमको कई टाइप के तुमको ट्रांजिस्टर मिल जाएंगे, फ्लैट उसमें रेगुलेटर भी मिलेंगे इस टाइप के, तो वोल्टेज को रेगुलेट करेंगे, लेकिन अब उसका जो सिस्टम होता है वो चेंज हो जाता है, उसका थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, उसको बोलते हैं एससीआर वगैरह, ठीक है, ट्रांजिस्टर। अब जैसे वोल्टेज एडाप्टर में लगा होता है,
हम देते तो है क्या, इनपुट दिया मैंने कितना 220 वोल्टेज, क्वाइल लगी होती ट्रांस स्टेप डाउन, विद रेक्टिफायर ने क्या किया कन्वर्ट किया डीसी में कर दिया, फिर जो हमें एम्पियर से ये होता है लास्ट में 3 एम्पियर मिली एम्पियर से ये जो भी, और इतने 19 वोल्ट लैपटॉप के लिए और 3 वोल्ट 3.7 मोबाइल के लिए। तो ये एक फिक्स वैल्यू का लगा होता है वहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर, वो क्या करता है हमारी फिक्स वैल्यू निकालता आउट करता है, तो उससे मोबाइल अपना या लैपटॉप चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का मेन वर्क क्या है, एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो समझ गए कि कैसे काम करता है ये, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, ठीक है, किस चीज़ से बना होता है, दो डायोड से मिलके बना होता है। अब अगर यहाँ पे एनपीएन अगर पीएनपी है तो इसके सिरे क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, ठीक है।